हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे ALP CVD 2 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। हाँ जी, फाइनली दोस्तों रेलवे ALP CVD 2 का रिवाइज रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, और उसके साथ साथ RRB ने अपनी ऑफिशियल कट ऑफ निकाली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ निकाली वो थोड़ी हाई गई है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना स्कोर पक्का चेक कर लें। उसके साथ साथ उन्होंने आपको साइको की डेट भी कन्फर्म कर दी है कि आपका साइको जो भी ALP के स्टूडेंट्स हैं उनका साइको डेट कब होगा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ RRB की साइट पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि फाइनल रिवाइज स्कोर डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों, मैंने RRB बिलासपुर की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। तो मैंने आपके सामने जो RRB बिलासपुर की वेबसाइट है उसका लिंक आपके सामने है, जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये लिंक है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। जब इस लिंक में सबसे नीचे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने जो नोटिस है वहाँ पे नीचे के चार नोटिस देखिए, तो जिसमें अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ नीचे के ये चार नोटिस जो आप लोगों के सामने हैं। इन नोटिस में दोस्तों देखो, पहला नोटिस लिखा हुआ है नोटिस ऑन रिवाइज स्कोर एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर CABT। तो इस पर अगर इस लिंक पे अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो नोटिस आएगा, जिसपे उसके बाद जो आपका नोटिस दिया हुआ उसमें आपको साइको की डेट बता दी गई है। उसके साथ साथ नीचे दो दूसरा लिंक है, उस पर लिखा हुआ है दोस्तों रिवाइज रिजल्ट रिवाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर CABT, ये भी 27 तारीख को आया। उसके बाद नॉर्मलाइज कट ऑफ एंड सेकंड स्टेज CBT फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर CABT। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो भी बता दी गई है, जो आपको तीसरे लिंक पे मिल जाएगी। और उसके साथ साथ दोस्तों लास्ट में लिखा है लिंक ऑफ कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू द स्कोर एंड शॉर्टलिस्टेड स्टेटस। और सबसे नीचे जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें आप अपने लॉग इन करके अपना स्कोर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ दिखा देना चाहता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जिसमें नॉर्मलाइज कट ऑफ का जो लिंक आपके सामने शेयर कर रखा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कट ऑफ का जो PDF है वो सामने आ जाएगा। तो मैं आपको बिलासपुर जो RRB बिलासपुर जोन है उनकी CBD 2 की जो कट ऑफ है वो उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी जो कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है, वो देखो जनरल की गई है 58.21, SC की गई है 30.04, ST की गई है 25.04, OBC की गई है 50.03, और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन में गई है 47.05, SC एक्स सर्विसमैन में गई है 31.58, और ST का उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि उनको, और उसके साथ OBC एक्स सर्विसमैन की गई है 34.45। तो आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी जो नॉर्मल कैटेगरी है उसकी 58.21 गई है, और उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका जो ऑफिशियल नोटिस है उन्होंने साइको डेट भी दे दी, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा आप उस जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसको भी देखें। तो मैं आपको दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको इस ये पेज मैंने बताया था उसका जो पहला लिंक है वहां पे आपको क्लिक करना है नोटिस फॉर रिवाइज स्कोर एंड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जैसे इसको क्लिक करोगे आप इस लिंक को जो मैंने आपके सामने दिखा दिया है, तो ये आपको नोटिस दिखाएगा। इसने मैं आपको देखो, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। तो दूसरे जोन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है पब्लिशिंग ऑफ द रिवाइज स्कोर एंड रिवाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उन्होंने लिखा था सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड ऑन 21st, 22nd, 23rd and 08th फॉर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन अगेंस्ट CN01/2018 हैज बीन इवेल्युएटेड अगेन एंड ड्यूली कंसिडर्ड इन द रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ 5/4। जो 5 अप्रैल को रिजल्ट हुआ था उस हिसाब से उन्होंने बोला कि हमने रिवाइज रिजल्ट को दे दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने लिखा है द रिजल्ट विद दिस रिवाइज स्कोर एंड रिवाइज लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट supersedes the result of the publishing on 05/2017 जो 5 अप्रैल को था उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसमें बोल रहा है कि आप अपने रोल नंबर वगैरह देख के आप ये चेक कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 5 है उसमें दे रखा है द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल ऑन 10 मई 2019 इन 3 शिफ्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इज 71 मिनट्स। तो उन्होंने बोला जो आपका ALP के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो साइको टेस्ट है वो 10 मई को होने वाला है, वो 71 मिनट का टेस्ट होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि उसमें द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल हैव ए टेस्ट बैटरी
कंप्राइजिंग द फाइव टेस्ट एंड कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42। तो आपको एक टी स्कोर जो 42 का कर पर सेक्शन में साइको में क्लियर करना होगा, उस हिसाब से इन्होंने बताया। तो इन्होंने अपनी साइको की डेट भी दे दी है। तो दोस्तों 10 मई को साइको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो अपना स्कोर में वहाँ पे 10 मई के लिए अपने साइको टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये आप पूरे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जो मैं आपको सारा लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप डाउनलोड करके इस पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। धीरे धीरे मैं सारे जोन्स की कट ऑफ और एनालिसिस के बारे में आपके वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।